सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। बाकी आज अतरश ई स्पोर्ट्स का सेमीफाइनल का आज डे वन था, जो कि अभी भी मैचेस हो रहे हैं। टीम सोल ने इरेंगल में 14 फिनिशेस के साथ चिकन निकाला है, जहां पे आपको सोल वर्सेस गॉडलाइक का भी फाइट देखने को मिलेगा लास्ट जोन में, एंड देखना आपको मजा आएगा। सो चलते हैं हम सीधा मैच की तरफ। फाइट की आप चर्चा कर रहे थे, टीम आईक्यू सोल वर्सेस रेवेनेंट यहाँ पे शुरू होती हुई। टीम रेवेनेंट को यहाँ पे पहला झटका मिलता हुआ, फियर्स के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी गोलियों की बरसात, बट फिलहाल के लिए तो बच के निकल चुके हैं। बट एट व्हाट कॉस्ट, उनके दो साथी यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं और मुझे लगता नहीं कि वो भी काफी देर तक बच पाएंगे। टीम आईक्यू सोल अपना प्रहार चलाते हुए, फिलहाल के लिए तो कोई भी दिक्कतों में नजर नहीं आ रही है। चारों खिलाड़ी मौजूद और चारों खिलाड़ी सेफ, दो फिनिशर्स इनके पास आ चुके हैं और एक नॉकआउट खिलाड़ी भी है। बट स्कूल में देखिए एक और टीम का आगमन, और वो कौन होने वाला है? वो होने वाला है गुजरात टाइगर्स गेम्स। तो क्या लगता है कौन जीतेगा गुजरात टाइगर्स और आईक्यू सोल के बीच में? देखिए फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि पड़ला भारी वहां पर टीम आईक्यू सोल का नजर आ सकता है, लेकिन फोर किंग ये बैटल जो थर्ड पार्टी के रूप में वो लेके जा रहे हैं, फायदा उनको भी मिल सकता है यहाँ पर। अभी के लिए देखिए, मैं बेशक अभी के लिए आईक्यू सोल का नाम जरूर, लेकिन गुजरात टाइगर्स को कम नहीं आंकना जरूर चाहूंगा। शैडो आगाज मिला था उनकी तरफ से, लेकिन उनका भी अगर देखा जाए विक्सी नॉक, विक्सी खत्म, चल क्या रहा है यहाँ पर गुजरात टाइगर्स, आपको सर्वाइव करके दिखाना पड़ेगा। और चलिए उस जिगर के साथ मान्य को भी करेंगे सम्मान। फिलहाल के लिए परिस्थिति अगर देखा जाए तो बिल्कुल बराबरी की तरफ जाती नजर आएगी, लेकिन क्या बोलो वो क्लच सुनिश्चित कर पाएंगे कि नहीं पाए, अभी भी चलता नजर आएगा। लेकिन जी नहीं, उस विंडो की तरफ से निकाल दिया जाएगा उनको भी। अब आखिरी खिलाड़ी, अब क्लच शॉट, अब लाला यहाँ पर क्या करते हैं, क्या निकाल पाएंगे इस बड़े चैलेंज को आईक्यू सोल के सामने। तेज जरूर बट क्विकनेस तो देखिए आईक्यू सोल एस पावर की, निकाला जाएगा ये, समाप्त किया जाएगा इस बैटल को और गुजरात टाइगर्स का भी अंत होता नजर। अपना प्रेजेंस दे दिया है, अपनी पोजीशनिंग दे रही है फोर किंग ईस्पोर्ट्स को। अभी बस देखना पड़ेगा कि कैसे ना कैसे थर्ड पार्टी से बच के रहे। फिलहाल के लिए जो चीज हम कह रहे थे कि रोजॉक में थोड़ा सा जगह है, उस जगह को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए फोर किंग ईस्पोर्ट्स, अभी भी मौजूद उस दिशा में। बट आईक्यू सोल स्कूल में एक और टीम का मौजूद की यहाँ पे, और वो राइवलरी जो शायद एक पॉइंट पे भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम में से जानी जाती थी, एनटी वर्सेस आईक्यू सोल। आईक्यू सोल एक साथ चार्जिंग कर रहे, मुझे तो लगता नहीं होगा। फियर्स के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया नॉक, दो खिलाड़ी डाउन हो चुके, एक 1v2 का मामला। बट जिस प्रकार से यहाँ पे मोलोटोव फेंकी जा रही थी, जिस प्रकार से आक्रमण किया जा रहा था, आईक्यू सोल अपना दबदबा बनाते हुए 8 फिनिशेस लेके, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अपने खिलाड़ियों को बचा के लेके जा रहे। दोनों खिलाड़ी रिवाइव हो जाएंगे और आईक्यू सोल चारों खिलाड़ी का रॉनी के द्वारा रिवाइवल की प्रक्रिया अंजाम देने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। अभी फिलहाल के लिए अपने आप को बाहर रख रहे हैं, बट सब कुछ ये फाइट अगर देखा जाए तो अपने उस यूटिल के साथ ही किया जा रहा है हर बार टीम आईक्यू सोल के द्वारा। जी हाँ, फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो विंड वॉट अभी कोशिश कर रहे थे हिलाप करने के लिए, बट पीछे से उनके ऊपर प्रहार है, स्पावर उनको नॉकआउट करेंगे और बस एक खिलाड़ी मौजूद जिनका नाम होगा मैक्स। के लिए ये फाइनल जंग आईक्यू सोल गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स और विंड गॉड, अब मैक्स के ऊपर रहेगा कुछ, क्योंकि उनके द्वारा अभी के लिए ना कुछ यहाँ पर ग्रेनेड फेंके जाएंगे, मोलोटोव फेंके जाएंगे और उसके अंदर अपने आप को नहीं फंसना है यहाँ से। मुझे लग रहा है कि ये जीत की भूख देखते हैं आईक्यू सोल को आगे लेके जाती है या फिर किसको बैकफुट में लेके जाती है। जोनाथन बिल्कुल एक फ्लैंकिंग एंगल हो सकता है क्रिएट कर सके, लेकिन शायद फिलहाल के लिए फोकस जाएगा जरूर रॉन की, कोशिश यहाँ पर की जाएगी। अभी के लिए पीछे को जरूर आ चुके, लेकिन कोई खिलाड़ी दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर मान्या जिनको करेंगे नॉकआउट और इसका फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार, लेकिन जोनाथन ट्राई जरूर कर रहे थे लेकिन अभी भी कोई फायदा मिलेगा नहीं। और दूसरे स्थान पर अभी के लिए टीम विंड गॉड देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप ये तो देखिए इस फाइट में नुकसान ज्यादा आईक्यू सोल को पहुंचा ही नहीं अभी तक। जी हां, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है, जिस तरीके से स्टिल सर्वाइविंग द लॉबी, ऐसे में जेनिक्स एफएम के पास मौका है कि वो जल्दी रोटेट करके सर्कल पहुंचे। बट टीम गॉडलाइक एनिग्मा के साथ एक बैटल के अंदर, टीम फॉरएवर वो टीम एक्सपार्क के साथ बैटल के अंदर, और टीम एनिग्मा बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं। टीम गॉडलाइक के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ा चुके हैं। जल्दी समाप्त, चौथा डाउन सिप की ग्रेनेड, सिप आगे बढ़ने का एक बढ़िया प्रयास, बट सिप को भी समाप्त किया जाएगा। टीम एनिग्मा इस बैटल को जीतती है और टीम आईक्यू सोल वो समझ चुके हैं कि प्रवेश करने के लिए ये बेस्ट स्थान रहेगा, आपके पास बेस्ट स्थान रहेगा, बेस्ट टाइमिंग रहेगी। कुचलते हुए नजर आएंगे मानिया, यहाँ पे पलटवार करेंगे टीम एनिग्मा, बिखरते हुए नजर आएंगे, सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला। बट साहिल ने यहाँ पे किया है थोड़ा सा कम बैक इस फाइट के अंदर। टीम आईक्यू सोल बस एक खिलाड़ी के साथ मौजूद, अगर आप पुश कर रहे थे रॉनी पीछे क्यों बैठे थे, उनके साथ जाइए। आप दोनों ही टीमों को बाहर किया, अभी भी रॉनी बचे हैं जरूर से,
रोनी के पास मौका है कि एक 1v2 करके जाए यहां से गेम पलटे रोनी है बहुत अच्छा चांस बट नहीं एनिग्मा के हाथ जाता दिखेगा वो आखिरी फिनिश भी टीम आइकोसोल उन्हें बाहर किया साइड की तरफ और इस बार आइकोसोल तैयार रहने वाली है जी हां फोर किंग के प्लेस आ तो जरूर जाएंगे अपना खिलाड़ी जरूर गवाए उन्होंने लेकिन यहां से अभी के लिए देखने वाली बात की क्या निकाल पाएंगे गॉडलेस को जरूर नॉकआउट कर दिया जाएगा शायद यहां पर एक बड़ा झटका ना लग जाए उनको इसी दौरान मुझे लग तो रहा है कि दिक्कतें बढ़ चुकी है फोर्किंग के लिए काफी ज्यादा क्योंकि दो खिलाड़ी आपको इनकी अभी के लिए तो दिक्कतों में आते दिखे हैं और ऐसे में टीम आइकोसोल वो चाह रही है उन फिनिशेस को कंप्लीट कर लेना रॉकस्टार उनके द्वारा टीम साइके मिस्टर स्ट्रे को भी डाउन किया जाएगा वो काफी ज्यादा कोशिश करते हुए एक अच्छा कनेक्शन आता दिखा इस के कई खिलाड़ी को नॉकआउट भी किया लेकिन कंफर्मेशन निकालनी पड़ेगी टीम आइकोसोल के मान्य आगे बढ़ रहे गोटेन अकेले खिलाड़ी है पिछले गेम में तो काफी डोमिनेट किया बट इस गेम में क्या करेंगे एक साथ दो प्लेयर तीन प्लेयर चार्ज इन करेंगे गोटेन का समापन और इसी के साथ बाहर टीम फोर किंग आपको जाती दिखेगी एक मेजर चैलेंज हम कह सकते हैं टीम आइकोसोल एक थर्ड पार्टी हो रही है रैकनिंग ने झड़प स्टार्ट की थी ट्वेंट वॉट के गेम से बट यहां पर टीम रैकनिंग पलक झपकते ही उनका एलिमिनेशन बट अगर इस मौके पर टीम बढ़ती है यहां से जी हां मैं बात करूं ट्वेंट गॉड आप आगे बाकी आपको टीम सोल का ये चिकन डिनर कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने टीम सोल का कल का स्क्रिम्स का 15 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर वाला मैच अगर आपने अभी तक नहीं देखा है एंड कुछ अच्छे फाइट तो आप लेफ्ट वाले वीडियो में क्लिक करके जाके देख सकते हो तो बस ये था आज का वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट और तोड़फोड़ के साथ तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग।